हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप अनसीन फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले रोडीज रेवोल्यूशन एपिसोड 1 के बारे में, और हम बात करने वाले अभिमन्यु सिंह के बारे में, जिन्होंने रोडीज ऑडिशन को क्रैक करके आगे की जर्नी में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, तो हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में कि उन्होंने जजों को कैसे इम्प्रेस किया, उन्होंने क्या किया और उनकी बाकी सारी डिटेल। दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं रोडीज रेवोल्यूशन की सारी अपडेट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी सारी अपडेट है रोडीज रेवोल्यूशन के बारे में मैं आप तक पहुंचाते रहूं। दोस्तों, अभिमन्यु सिंह, जिनकी उम्र 22 साल है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्होंने 6 साल की उम्र में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे इंडिया के लिए स्केटिंग में। वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर है, वो एक ट्रेंड तबला प्लेयर है। ये अपने स्टडीज में बहुत अच्छे थे और क्लास 12 में इन्होंने 95% ला के अपने घर वालों को प्रूफ किया और फर्दर स्टडीज के लिए ये अब्रॉड चले गए। दोस्तों, वहां पे रहने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में करीबन 7 महीने रहने के बाद, इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये काम नहीं करना चाहते हैं और ये कुछ और करना चाहते हैं। दोस्तों, तो ये वापस इंडिया आ गए और वापस इंडिया आने के बाद इन्होंने 4 NGOs के साथ काम किया। दोस्तों, जिनका मकसद था कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ भला करना। दोस्तों, तो ये और ये सबसे कम उम्र के हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी रह चुके हैं और अभी भी ये काम ये करते हैं। दोस्तों, और ये चाहते हैं कि इनका आगे का फ्यूचर इसी में बना रहे। दोस्तों, ये रोडीज में भी इसलिए आना चाहते हैं ताकि ये रोडीज से नेम और फेम कमा पाए। दोस्तों, और आगे की हेल्थ एंड वेलनेस, जो इनका मकसद है लोगों की भलाई का, वो आगे तक वो और डेवलप कर पाए और पूरी इंडिया में ये लोगों को ये बात बता पाए कि हेल्थ एंड वेलनेस कितनी जरूरी है लोगों के लिए। ऑडिशन के दौरान अभिमन्यु सिंह ने डांस करके भी दिखाया, जो कि कुछ हद तक अच्छा नहीं था। दोस्तों, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जजों के ऊपर और नेहा धूपिया बहुत कन्विंस हो गई और रफ्तार भी कि इनको आना चाहिए रोडीज की जर्नी में। और बाकी की बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी रणवीर जी इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे की जर्नी के लिए शामिल कर लेते हैं रोडीज की जर्नी में। दोस्तों, तो हम देखेंगे रोडीज की जर्नी में कि अभिमन्यु सिंह पक्का आ रहे हैं। दोस्तों, और आगे की एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी सारी अपडेट है रोडीज रेवोल्यूशन की मैं आप तक लेके आता रहूं। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।